पुलवामा की घटना के बाद से ही पूरा देश गुस्से की आग में जल रहा है। हर जगह सिर्फ एक ही नारा बुलंद है कि दुश्मनों से बदला लो बदला लो। वहीं इस घटना के 100 घंटे के भीतर ही अब सेना ने हमले का पहला बदला ले लिया है। सेना ने जैश के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसमें हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जब से इंसानियत के दुश्मनों ने आतंक का खूनी खेल खेला है, तभी से सभी का खून खौल रहा है। इस हमले के बाद से ही प्रशासन और सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया था कि हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सीआरपीएफ ने ट्वीट कर कहा था कि दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। इन सबके बीच आज सुरक्षा बलों ने अपने साथियों की शहादत का बदला ले लिया है। खबर है कि पुलवामा के पिंगलिंग गांव में सुरक्षा बलों ने जैश के सबसे बड़े कमांडर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड कामरान उर्फ गाजी राशिद को ढेर कर दिया है। साथ ही उसका एक और साथी भी एनकाउंटर का शिकार हुआ है। दरअसल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि पुलवामा के पिंगलिंग गांव में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और सीओजी के जवानों ने कमर कसते हुए तलाशी अभियान शुरू किया। इसके भनक जैसे ही आतंकियों को लगी, उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक बिल्डिंग को भी उड़ा दिया जहां आतंकी छिपे हुए थे। इसमें आतंकी कामरान उर्फ गाजी राशिद भी शामिल था। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वैसे एक तरफ जहां आतंकियों के खात्मे की खबर सुकून देने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बुरी खबर भी है, क्योंकि इस बदले के लिए हमें अपने 4 जवानों की कुर्बानी देनी पड़ी। इनमें मेजर डीएस ढोंडियाल का नाम भी शामिल है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।